जशपुर जिले के व्यापारिक नगरी कहे जाने वाले पत्थलगांव से रायगढ़ जाने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिससे आवागमन को लेकर राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाकर नारेबाजी की और सड़क निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। दरअसल पत्थलगांव शहर की जर्जर सड़क में सैकड़ों जानलेवा बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे रोजाना लोग इस गड्ढे में गिरकर घायल हो जा रहे हैं, जिसके विरोध में आज युवा कांग्रेस ने इंदिरा चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्थायी मरम्मत कर सड़क बनाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदेश किसान उपाध्यक्ष अतुल त्रिपाठी ने बताया कि बीते दिनों पत्थलगांव अनुविभागीय अधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नोटिस देकर सड़क निर्माण में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्यवाही की भी बात कही थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। युवा ब्लॉक अध्यक्ष अंकित शर्मा ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को चेताया है कि अगर जल्द ही शहर की सड़क की स्थायी मरम्मत नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन और उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस पूरे मामले में पत्थलगांव पीडब्ल्यूडी एसडीओ संतोष पैकरा ने बताया कि ठेकेदार से बात की गई है, नंदन छरिया पुलिया जर्जर हो गई है, जिसे जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू की जाएगी। देखिए स्थिति यह है कि ये जशपुर जिला है, जशपुर जिले का विधानसभा पत्थलगांव, जहाँ से माननीय सीएम खुद आते हैं और ये क्षेत्र गृह क्षेत्र है सीएम का, और उसके बाद भी पत्थलगांव की जो सड़क है उसकी दुर्दशा है। कहीं भी सड़क चलने लायक नहीं, हर जगह गड्ढे हैं, गड्ढे में पूरा पानी भरा हुआ है, लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और जैसी धूप निकल रही है इतना धूल उड़ रहा है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पूरे रायगढ़ रोड वासी परेशान हो चुके हैं धूल से और जर्जर सड़क से, आम मानस का जीवन दुभर हो गया है। लेकिन जो सरकार है वो गूंगी बहरी बनी बैठी हुई है, सोई हुई है, सिर्फ यहाँ पर आश्वासन मिलता है, फटकार मिलती है अधिकारियों को, लेकिन जो है जो ग्राउंड में कहीं पर भी काम नहीं दिखता है। यहाँ तक कि प्रशासन द्वारा भी नोटिस दिया गया था, मीडिया में आया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। कुल मिलाकर के जनता त्रस्त है और प्रशासन मस्त है और सरकार भी मस्त है, लेकिन यहाँ पर जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। सड़क पूरी चौपट है, इसीलिए आज युवा कांग्रेस के तत्वाधान में हम लोग यहाँ पर इंदिरा चौक में हमने प्रदर्शन किया है। अगर आगे काम नहीं हुआ तो हम चक्का जाम जैसे उग्र आंदोलन चरणबद्ध करेंगे। रोड की स्थिति इतनी जर्जर है और साथ में जो पुल है वो तकरीबन 60 से 70 साल पुराना है और इतना जर्जर है कि अगर वो पुल टूट जाता है तो हमारा रायगढ़ जिला से हमारा संपर्क टूट जाएगा, कभी भी टूट सकता है, और उसका कोई भी वैकल्पिक उपाय नहीं निकाला जा रहा प्रशासन की तरफ से। और इस पत्थलगांव की सड़क इतनी खराब है कि यहाँ लड़कों के रिश्ते नहीं हो रहे, लड़कियां यहाँ शादी करके आना नहीं चाहती है क्योंकि खराब सड़क है। लड़की के माँ बाप बोलते हैं कि इतने खराब सड़क में हम अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे। आप इससे सोचिए कि इससे ज्यादा दयनीय स्थिति क्या हो सकती है। यहाँ चार चार स्कूल है रायगढ़ रोड में, चारों स्कूल में हजार बच्चे जाते हैं रोज पढ़ने। कोई भी दुर्घटना अगर हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है, बीजेपी सरकार या पीडब्ल्यूडी विभाग? हम इनसे सवाल पूछना चाहते हैं। ये एक्चुअल में यह कार्य जो है रायगढ़ लोक निर्माण विभाग संभाग के अंतर्गत कराना है, और आपने जो ज्ञापन दिया है उसको मूलतः जो है रायगढ़ डिवीजन को फॉरवर्ड किया जाएगा, अवगत कराया जाएगा, आपका जो संदेश है उसे अवगत कराया जाएगा। संभावना कॉन्ट्रेक्टर से बात हुई थी, उन्होंने फ़ोन किया था एक दो दिन में जो है कार्य शुरू करूँगा बोल के। इसके लिए ये एक्चुअल में नंदन झरिया का पुलिया है, ये लोक निर्माण संभाग रायपुर के अंतर्गत बनना है, तो इसकी बारे जानकारी रायगढ़ डिवीजन वाले बता पाएंगे।